करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का मुनाफे का फंडा, जिसमें कि हम समझेंगे कि आज फंडामेंटल लिहाज से कहाँ पर बेहतरीन मौके दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं अपना व्यू शेयर करने के लिए। निमेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपके तरफ से आज के पिक्स कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरी तरफ से आज के पीक के जो पहली पीक है वो 2 दिनों से मीडिया में बहुत ही जिसकी चर्चा है वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर के अंदर हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में एक अच्छा करेक्शन आ गया है। क्यों आया? तो नई प्रोडक्ट फ्रॉम हार्ली डेविडसन यानी हीरो मोटर कॉर्प और बजाज की ओर से नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, और मार्केट के अंदर कंपटीशन जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कंपटीशन बढ़ेगी। तो जो अभी मार्केट शेयर है, स्टिल अभी मेरा इन्वेस्टमेंट रेशनल ये है कि आइसर मोटर यानी जो है वो ऑलरेडी अभी 2 व्हीलर जो प्रीमियम सेगमेंट है उसके अंदर मार्केट लीडर है। मोर देन 80% मार्केट शेयर उसका 200 सीसी से 75 सीसी का जो एक सेगमेंट है प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट उसके अंदर अभी भी मार्केट लीडर है। कंपनी अगर बात करें तो कंपनी जो है वो टोटल पिछले साल के अंदर 8.5 लाख यूनिट इंडिया के अंदर और 1 लाख यूनिट जो है वो ओवरसीज मार्केट में सोल्ड कर चुकी है। पर कंपनी का जो फोकस है प्योरली ग्लोबल कंपनी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कई जगह पर अपनी ये प्रोडक्ट खास करके रॉयल एनफील्ड 350, हंटर और मेट्योर जो है वो लॉन्च कर रही है। मुझे लग रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक जो करेक्शन दिया है वो एक रीजनेबल करेक्शन तो बोल सकते हैं, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात देखें कंपनी अभी 30 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। ये वैल्यूएशन 2021 के अंदर अगस्त महीना के अंदर का जब कोरोना की सेकंड लेयर हम लोग देख रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे और अभी टेक्निकली भी बात करें तो स्टॉक 200 DMA के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज फ्लो आई है वो एक शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो मैं ये लेवल से बाय करने का रिकमेंड दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है 3800-4500 आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि तो पहला रीजन नॉर्मल मॉनसून का एक्सपेक्टेशन और हम लोग देख रहे हैं कि मॉनसून अभी अच्छा चल रहा है। सेकेंड थिंग, फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये 2 सिनारियों में मुझे लग रहा है कि आइशर मोटर जो है वो ये करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पे है और ये लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। और सेकंड पिक जो मेरी है वो ऑलरेडी मैंने कई बार शो पे डिस्कस किया, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। सेकंड पिक इज केनरा बैंक। केनरा बैंक की अगर बात करें तो कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1 से बिलो है, करीब 0.8 के आसपास के प्राइस के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। RBI ने जैसे रिपोर्ट दिया था कि अभी पिछले 10 सालों में हिस्टोरिक लो पे NPA चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छा क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्रीज वाइज एज वेल एज कंपनी वाइज आने की उम्मीद है, और लोअर NPA ये सिचुएशन जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में केनरा बैंक काफी अट्रैक्टिव बनाता है ये लेवल से। तो 390 से 450 का टारगेट प्राइस लेके आने वाले 3 से 6 महीने के व्यू से केनरा बैंक के अंदर बाय करने का मैं रिकमेंड करूँ। हो रहा है PSU बैंक्स पर डेटा, डॉक्टर साहब हमारे पढ़ा हुआ है PSU बैंक्स में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि 2 महीने 2 क्वार्टर्स का कंसोलिडेशन हो गया, नंबर खराब नहीं हुए लेकिन खराब अच्छे नंबर के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहे थे, तो दो एक डेढ़ दो क्वार्टर वो कंसोलिडेशन हो चुका है। कैनरा बैंक, BOB, PNB, SBI, इनफैक्ट SBI के धमाकेदार नंबर्स के बाद भी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई नहीं क्रॉस किया था। तो ये जो हेल्दी टाइप ऑफ करेक्शन है ये हो चुका है डॉक्टर साहब। सब सारे PSU बैंक जो मैंने अभी नाम लिए उनके 6-6 महीने के ग्राफ ले आए हैं। दूसरी बात ये हुई कि अब रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि PSU बैंक्स के NIM में उतना कंप्रेशन नहीं आएगा यहाँ से चलते हुए रेट्स बढ़ने पर, जैसा शायद कुछ और में आ सकता है। और ये देखिए क्या बढ़िया चार्ट दिखाई दे रहा है आपको।